Hello everyone, today I am going to discuss about the translation into three address code. Last video lecture मैंने discuss किया था कुछ three address code, जैसे for example मैंने discuss किया था simple statement like relational operator as well as if else statement का. In this lecture I have to discuss about the translation of while loop. It means what is the procedure to translate while loop, what is the procedure to translate do while loop, and what is the procedure to translate for loop as well as switch loop. तो ये एग्जाम में आता भी है, दैट इज एवरी टाइम AK2 में आइदर स्विच तो डेफिनेटली आता है, स्विच या फिर रिलेशनल ऑपरेटर. तो लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो यू मे आस्क आइदर इन मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई. तो लेट्स वी हैव टू स्टार्ट ट्रांसलेशन. फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद ट्रांसलेशन ऑफ व्हाइल लूप. व्हाइल लूप का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो व्हाइल लूप को पहले हम लोग समझते हैं. जो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, व्हाट एवर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ व्हाइल लूप, दैट इज यू इन द सेम वे वी हैव टू ट्रांसलेट दैट व्हाइल लूप इनटू थ्री एड्रेस कोड. तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूल ऑफ, व्हाट इज द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ व्हाइल लूप. लेट सपोज दिस इज व्हाइल लूप, ये व्हाइल है. अब ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, ट्रू होने के बाद ये कंडीशन जब तक ट्रू होगा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. इट मींस अगर हमने इसका थ्री एड्रेस कोड लिखना होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो गो टू कहाँ पे जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो गो टू फिर व्हाइल पे जाएगा, ये इसी में व्हाइल और स्टेटमेंट के बीच में मूव करेगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कहाँ पर जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो इस लूप के बाहर वाला जो स्टेटमेंट होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो ये इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल है. इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, थ्री एड्रेस कोड हमें लिखना है. तो अब जैसे स्टार्ट करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल ये गिवन है, ट्रांसलेट व्हाइल ए लेस देन बी और डू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड, इसे हमें ट्रांसलेट करना है. तो कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, देखो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगा ना, ये ए लेस देन बी. तो देखिए यहाँ आपने सबसे पहले चेक किया, ये फॉर्मूला होता है, यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, अदर यू हैव टू अंडरस्टैंड. हम लोग आई से स्टार्ट करते हैं, आई वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, वन से या जीरो, वट एवर यू हैव टू चूज टू. तो ये पहला क्या है, व्हाइल ए लेस देन बी. तो अब जब ए लेस देन बी होगा तो आप ये सोचो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कहीं तो जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए. देखिए जो व्हाइल लूप है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगा. ट्रू होगा तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स होगा तो इस लूप के बाहर आ जाएगा. बस ये सिंपल सा स्टेटमेंट यही करना है. तो जब ये व्हाइल ए लेस देन बी ट्रू होगा तो गो टू. अब ये अगर हमें नहीं पता है तो हम बाद में लिख लेंगे. बाद में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो ये x प्लस वाई एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड है, ये स्टेटमेंट जिस लाइन में लिखा होगा यहाँ पे गो टू, वही वाला यहाँ पे आएगा. अब इसके बाद ये तो ट्रू कंडीशन हो गया, फॉल्स होगा तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, लूप के बाहर. तो यहाँ पे गो टू लिख दिया. अब देखिए यहाँ डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये हमें स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट जाए नहीं पता है, क्योंकि अभी हमें और लिखना है ना. तो वी हैव टू लेफ्ट, इसको बाद में हम लोग इंसर्ट कर देंगे. अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया ये व्हाइल का, ट्रू होगी तो कहीं और जाएगा फ्लो ऑफ कंट्रोल, और फॉल्स होगा तो कहीं और जाएगा. अब ये कहाँ पे जाएगा, गो टू, यहाँ पे स्पेस छोड़ दो भी, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बाद में लिखा करो हमेशा. ये गो टू यहाँ भी स्पेस छोड़ दिया, गो टू यहाँ भी स्पेस छोड़ दिया. अब हम लोग क्या करेंगे, अब किसका लिखेंगे, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड का. तो देखिए टी वन इक्वल टू हमने क्या कर लिया, वाई प्लस जेड ले लिया, और इस टी वन को एक्स को असाइन कर दिया. अब इसके बाद आते हैं हम लोग, अब गो टू अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड. तो ये कहाँ पे लिखा हुआ, आई प्लस टू में, तो गो टू आई प्लस टू हो जाएगा. अगर फॉल्स होगी तो ये कहाँ पे जाएगा, इस फ्लो जो ये लूप है लूप के बाहर. तो लूप कहाँ तक लिखा है, आई प्लस फोर तक. तो ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट और होगा, आई प्लस फाइव दिस वन. अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वी हैव टू राइट आई प्लस फाइव, दैट इज द आई प्लस फाइव हो जाएगा ये. अब ये तो लूप है ना, तो जब ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कहाँ आना चाहिए यहाँ पे. तो देखिए इसके लिखने के बाद हमेशा क्या लिखेंगे, गो टू आई, ये किस में, आई स्टेटमेंट में है. तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो कंडीशन ट्रू होगा तो ये कहाँ सेंड करेगा, गो टू आई प्लस टू में, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा दोनों ये डू का. इसके बाद फिर कहाँ लूप सेंड कर देगा, अगेन ये तो गो टू वन लिख दिया है. और अगर फॉल्स होगी तो कहाँ पर जाएगा, गो टू, ये गो टू कहाँ सेंड कर देगा, लूप के बाद, दैट इज द लूप थ्री एड्रेस ट्रांसलेशन ऑफ द व्हाइल लूप. अब देखो इसी को हमने ये नंबर वन ले लिया, यही है सेम है वो फॉर्मूला था, यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया. वन इफ ए लेस देन बी तो कहाँ पे जाएगा, गो टू, ये बाद हमेशा बाद में लिखा करो, कौन सा स्टेटमेंट आएगा हमें नहीं पता है, अभी इसको छोड़ दो. अब कंडीशन ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई तो गो टू, ये भी कहीं जाएगा, ये क्या जाएगा यहाँ पे हमें नहीं पता है, बाद में लिखा करो. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे. तो स्टेटमेंट थर्ड में आएगा टी वन इज इक्वल टू वाई प्लस जेड,
और 4 मैं एक्सेस कर लूं T1। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद गो टू फिल करते हैं, तो अब देखो होगा क्या, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो कहां एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ना, x equal to y plus z, तो ये किस में है, 3 में है, गो टू 3 लिख दिया। और अगर फॉल्स होगी तो कहां जाएगा, स्टेटमेंट के बाद, तो ये गो टू 6 लिख दिया। ये कई डॉट होंगे, मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है यहाँ पे, जो भी स्टेटमेंट होगा लूप के बाहर वाला वो एग्जीक्यूट करेगा। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये 3 और 4 एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद लूप कहां जाना चाहिए, लूप है ना, अगेन व्हाइल लूप है, फिर कहां जाएगा, ये गो टू 1 पे। तो देखिए फ्लो ऑफ कंट्रोल गो टू 1 जाना चाहिए, तो यहां पे गो टू 1 लिख दिया। तो ये जब भी कंडीशन ट्रू होगी ये एग्जीक्यूट करेगा और गो टू 1 चल जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी तो 3 4 एग्जीक्यूट करेगा, फिर गो टू 1, अगर कंडीशन फॉल होगी तो कहां जाएगा, गो टू 6 पे, गो टू 6 मतलब आउट ऑफ द लूप हो जाएगा। तो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द थ्री एड्रेस कोड ऑफ द व्हाइल लूप। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल में क्या होता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डू व्हाइल, डू व्हाइल में और व्हाइल में ये डिफरेंस होता है ना कि डू में पहले एक स्टेटमेंट आइदर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा एक बार, उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, लूप के बाहर वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो यही कांसेप्ट हमें किसमें लगाना है, थ्री एड्रेस कोड में। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको हमें करना है, तो डू दिस वन x इक्वल टू y प्लस z व्हाइल a लेस देन b, इसे हमें ट्रांसलेट करना, तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, अरे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है ना किसमें, डू व्हाइल लूप में। तो देखो ये i में हमने क्या लिखा, t1 इक्वल टू दिस वन और नेक्स्ट स्टेटमेंट x इक्वल टू t1 असाइन कर दिया, इसका हमने थ्री एड्रेस कोड में लिख दिया। अब इसके बाद कंडीशन चेक करेगी ना, तो कंडीशन ट्रू होगा तो कहां पे जाएगा, अरे ये जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर यही पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, तो कंडीशन ट्रू होगी तो कहां पर आ गया, आई में गो टू आई, और फॉल्स हो गया तो गो टू जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा आई प्लस 4, जो भी वट एवर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो ये क्या जाएगा, गो टू आई प्लस 4 हो जाएगा। इस वजह से अनडॉटेड कर रखा है, ये वी हैव टू राइट हियर। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसी का अगर हमें ये फॉर्मूला हो गया, अब इसको कन्वर्ट तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से भी स्टार्ट करते, इट्स अप टू यू, अगर 0 लोगे तो 0 1 2 3 4 तक आएगा। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका थ्री एड्रेस कोड लिखा, टी वन इक्वल टू वाई प्लस जेड, फिर एक्स को हमने टी वन असाइन कर दिया। अब a less than b कंडीशन ट्रू होगा तो कहां एग्जीक्यूट करेगा, और जब ये व्हाइल ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ये ऊपर जाएगा ना, तो गो टू 1 पे चला गया, ये देखिए ये गो टू 1 पे, अब ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर फॉल्स होगा तो फिर लूप कहां जाना चाहिए, तो लूप कहां जाएगा, इस जो लूप के बाहर वाला जो स्टेटमेंट होगा, यहां पे जो स्टेटमेंट होगा, तो वो स्टेटमेंट कहां पे है, 5 पे है, यहां पे 5 पे कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, तो हियर वी हैव रिटन गो टू 5, दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ द डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिपीट, एक स्टेटमेंट होता है अंटिल रिपीट, रिपीट अंटिल स्टेटमेंट होता है, ये भी आता है कभी-कभी एग्जाम में, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस आल्सो, ये भी लूप के जैसा ही होता है। तो देखो रिपीट दिस वन x equal to y plus z until a less than b है, तो पहले इसमें क्या होगा, ये कब तक रिपीट करेगा, जब तक ये वाला कंडीशन सैटिस्फाई होती रहेगी। तो इसका भी सेम क्या होता है, डू व्हाइल जैसा है, ये डू व्हाइल जैसा ही होता है। तो देखो t1 equal to y plus z लिखा, x equal to t1 लिखा हमने, अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन सॉरी फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ बस ये डू व्हाइल में ये डिफरेंस होगा, अंटिल मतलब ना ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू, जब तक ट्रू रहेगी तो ये कहाँ पर जाता रहेगा, ये गो टू वन में सेंड करता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कहाँ पर जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रोग्राम के, तो यहाँ पे गो टू 5। डू व्हाइल और व्हाइल और रिपीट अंटिल बस यही डिफरेंस होगा, अगर मान लो यहाँ पे ट्रू होता डू व्हाइल होता तो यहाँ पे गो टू 1 लिखते और रिपीट अंटिल है तो यहाँ पे गो टू 5 लिखेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे इस पर। अब इसके बाद हम लोग फॉर लूप का करेंगे, तो फॉर लूप में भी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, आप इसको डायरेक्टली जे की वैल्यू 1 से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर लूप का एग्जीक्यूशन क्या होता है, पहले वो समझते हैं, दिस इज द फॉर लूप, आई 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 20 चलेगा, फिर ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, ये लूप का एग्जीक्यूशन का भी होता है। स्टार्ट विद 1, कंडीशन चेक करेगा यहाँ पे, देन बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, आई को इंक्रीमेंट, बस यही हमें करना है। तो देखो यहाँ से पहले हमने क्या स्टार्ट किया, ये 1 ले सकते हो, j इक्वल टू 1 2 3 व्हाटएवर यू हैव टू चूज। तो यहाँ i वाज इक्वल टू 1 लिया सबसे पहले, फिर कंडीशन चेक करेंगे ना हमने, देखो ये कंडीशन चेक किया इफ i लेस देन v, तो ये गो टू कहीं जाएगा ना, गो टू अब कहाँ जाएगा नहीं पता, इसको छोड़ दो बाद में लिखना, ये कहाँ पे जाएगा अभी छोड़ दो, अगर हमको नहीं पता हमेशा बाद में ही लिखा करो, क्योंकि पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर जो आएगा। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो कहीं पे जाएगा ना, कहाँ पे जाएगा, इस स्टेटमेंट पे आएगा, और फॉल्स हो जाएगी तो भी तब लूप के बाहर आ जाएगा, तो गो टू यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा वो बाद में लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ना, तो पहले स्टेटमेंट का लिखते हैं हम लोग, सॉरी ये पहले हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो इंक्रीमेंटेशन हो रहा है उसको लिखेंगे हम लोग। तो टी वन इज इक्वल टू आई प्लस 1 और आई को टी वन को असाइन कर दिया हमने।
देन इसके बाद ये देखो लूप के लिखने का, अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो सर पहले तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है देन आप पहले ये क्यों लिख रहे हो, डेफिनेटली ये होता है। लेकिन जो थ्री एड्रेस कोड फॉर लूप का ट्रांसलेशन का वे होता है, दिस इज द वे, ये एक फॉर्मूला होता है, वी हैव टू लर्न। अब ऐसा होता क्यों है, तो जब मैं ट्रांसलेशन ऑफ बैक पैचिंग बताऊंगा या ट्रांसलेशन बताऊंगा उसमें इसका फॉर्मूला बताऊंगा वो इवॉल्व कैसे होता है। तो अभी ये हम हमेशा याद किया करो, पहला इज इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा, देन कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, आई जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो उसका थ्री एड्रेस ट्रांसलोड कर लिया, क्लियर है बात। इसके बाद फिर गो टू, अब ये फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे अब इस कंडीशन के बाद गो टू होगा, मतलब गो टू होगा फिर कंडीशन चेक कर सकता है ना, इंक्रीमेंट के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे गो टू, अब ये जो कंडीशन चेक करने का जो भी जहां लिखा होगा वो स्टेटमेंट, कंडीशन कहाँ चेक हो रहा है, जे प्लस वन पे, तो गो टू जे प्लस वन ले गया। ये बार बार कंडीशन चेक करेगा इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा इंक्रीमेंट करेगा। तो देखो ये कंडीशन चेक किया, कंडीशन फॉल्स होगी तो कहीं और चला जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो इंक्रीमेंट करेगा, देन फिर क्या करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा दिस वन। अब इसके बाद जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ उसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, तो देखो ये हमने इसका ट्रांसलेट कर दिया दिस वन, टी टू इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स इक्वल टू टी टू असाइन कर दिया। अब जब कंडीशन ये ट्रू होगी तो ये कहाँ पे जाएगा, गो टू, यहाँ पे स्पेस हमने छोड़ा था ना, तो ये थ्री एड्रेस कोड ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं, तो देखो जब ये वाला पार्ट कहाँ पे है, ये वाला पार्ट जे प्लस सिक्स में है, तो वी हैव टू रिटर्न हियर जे प्लस सिक्स। इसके बाद जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये क्या करेगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा, आई प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करेगा ना, तो इसके बाद क्या होगा, गो टू जे प्लस थ्री, गो टू जे प्लस थ्री मतलब क्या होगा, ये आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा। तो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉर लूप, इजिली है, कुछ नहीं करना, जो भी हमें, बट वी हैव टू अप्लाई ओनली व्हाट एवर द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप कंडीशन का, लूप एग्जीक्यूट करने का जो कंडीशन होता है वही अप्लाई करते हैं। आई इक्वल टू वन से स्टार्ट किया, फिर कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक करने के बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो स्टेट जस्ट में लिखेंगे हम थ्री एड्रेस कोड, वो नंबर लिख दिया, फिर फॉल्स होगा तो कहीं पे जाएगा, जहां पे ये जाएगा फॉल्स मतलब लूप के बाहर, तो यहाँ पे जे प्लस नाइन हो जाएगा, और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, वी हैव टू राइट हियर जे प्लस नाइन। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जो इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इसका थ्री एड्रेस कोड लिखेंगे, तो दिस वन इसका थ्री एड्रेस कोड हो गया। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, जब ये थ्री एड्रेस कोड लिख दिया तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, कंडीशन, ये देखो ये कंडीशन चेक किया, उस स्टेटमेंट में जाएगा जहां पे इसका थ्री बॉडी का थ्री एड्रेस कोड लिखा हुआ, फॉल्स होगा तो कहीं और जाएगा, इसके बाद क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद फिर क्या करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा ना, तो गो टू जे, ये कंडीशन चेक कर लिया, फिर ये थ्री एड्रेस कोड आप बॉडी का लिख दिया, और अगर इसके बाद क्या होगा, दिस वन, देन गो टू जे प्लस थ्री मतलब फिर से इंक्रीमेंट करेगा, बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद फिर एग्जीक्यूट कर देगा, और यही करता रहेगा। तो इस टाइप का हम लोग फॉर लूप का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एवरी टाइम आता ही आता है, स्विच स्टेटमेंट का, ये थोड़ा टफ भी होता है, टफ नहीं बोल सकते हैं, वी कैन नॉट से दैट टफ, बट वी हैव टू लर्न द फॉर्मूला, वी हैव नो अबाउट द एग्जीक्यूशन प्रोसीजर ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। तो अब स्विच का प्रोसीजर कैसे होता है एग्जीक्यूट, अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस भी केस से मैच करेगी वही एग्जीक्यूट करेगा, अगर बीच में हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट सब एग्जीक्यूट कर, मान लो ये V1 से मैच कर गया तो V1 तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसके बाद वाले सभी एग्जीक्यूट कर जाएंगे। अगर ब्रेक नहीं लगाते हो तो ब्रेक लगाएंगे तो केवल V1 एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो ये किसी से मैच नहीं करता है और यहाँ पे हम डिफॉल्ट लिखते हैं, ये क्या करेगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करने के बाद लूप के बाहर आ जाएगा। उसमें देखिए दो कंडीशन है, इस केस को एग्जीक्यूट करने के बाद लूप के बाहर आ सकता है कि नहीं, यस, यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो ये सीधा जाएगा स्विच के बाहर आ जाएगा। फिर इस केस को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर यहाँ ब्रेक लगाते हैं तो ये क्या जाएगा, सीधा लूप के बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द वे टू एग्जीक्यूट दिस स्विच स्टेटमेंट। अब जैसे यहाँ पे लिखा होगा कोड फॉर इवेलुएटिंग ई, अगर ये ई इवेलुएट होगा तो ये कहीं तो जाएगा ना, ई इवेलुएट करने के बाद कहाँ पे जाएगा, तो गो टू यहाँ पे लेबल लिख दिया, ये गो टू एल लिख दिया। दिस इज द वे, दिस इज द फॉर्मूला हाउ वी हैड टू ट्रांसलेट द गिवन स्विच स्टेटमेंट टू थ्री एड्रेस कोड। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये एल वन एल टू व्हाटएवर कोई भी हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग किसके लिखेंगे, इसके केस के लिए। तो देखिए एल वन जो ये केस है, एल वन जो लेबल एल वन है, गो टू कोड फॉर एस वन, दिस वन एस वन के लिए यहाँ पे थ्री एड्रेस कोड लिखेंगे। देन इसके बाद क्या होगा, गो टू नेक्स्ट, नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, अगर ब्रेक लगा हुआ तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, तो ये गो टू नेक्स्ट। अब फिर क्या लिखेंगे, केस टू का लिखेंगे, तो देखो ये गो, ये केस टू का हमने थ्री एड्रेस कोड लिखा। अब इस केस टू अगर मैच करेगा तो एग्जीक्यूट कर जाएगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर यहाँ ब्रेक लगा है तो कहाँ जाएगा, ये इसके बाहर जाएगा। अगर ब्रेक नहीं लगा होगा तो सारे सभी एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो वी अज्यूम दैट हर जगह ब्रेक लगा हुआ है। तो देखो ये टू बाद ये गो टू नेक्स्ट एंड सो ऑन। इस टाइप से क्या होगा, जितने भी केस गिवन है सब हम लोग क्या करेंगे,
लिख लेंगे। देन इसके बाद जो ये लेबल होगा, ये लेबल लेबल मतलब इससे डिटरमाइन होगा ना कि कौन सा केस एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये मान लो V1 एग्जीक्यूट होगा, V1 ट्रू होगा तो V1 एग्जीक्यूट करेगा, V2 से मैच करेगा तो V2 एग्जीक्यूट करेगा। तो जो ये लेबल है L को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। लेबल को डिफाइन कैसा करना पड़ेगा, इफ जो ये V1 है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है तो गो टू L1। अगर ये V इसकी वैल्यू क्या आएगी, V1 आएगी तो दिस वन एग्जीक्यूट कर जाएगा। इफ V1 इज इक्वल टू T1 आएगा तो ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, गो टू L1। अगर मान लो E की वैल्यू क्या आती है, VT के बराबर होती है तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, जहां पे डिफाइन है इफ V2 इज इक्वल टू T1 तो गो टू L1। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे पूरे थ्री एड्रेस कोड को डिफाइन कर सकते हैं, किसका, स्विच स्टेटमेंट का। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल में ये एग्जाम आया हुआ AK2 एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आता, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग केयरफुली समझने की भी कोशिश करो। और इजी है, कुछ करना नहीं है, और ट्राई टू, अगर आप हमें स्विच का स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करता है तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। देखो जैसे ये अगर ये I+J है, ये अगर ट्रू हुआ तो क्या 1 होगा तो ये वाला एग्जीक्यूट करेगा, 2 हुआ तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और नहीं मैच किया तो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज द सिंपल वे टू ट्रांसलेट गिवन थ्री एड्रेस कोड इनटू गिवन स्टेटमेंट इनटू थ्री एड्रेस कोड। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहले इसी को हम लोग करेंगे ना, ये खुद थ्री एड्रेस कोड में नहीं है, तो इसको हमने क्या कर लिया, T1 इज इक्वल टू I+J। अब इसके बाद क्या होगा, गो टू डिफाइन करेंगे, गो टू लेबल मतलब गो टू क्या डिफाइन करेंगे, ये किसके लिए, या तो 1 के से मैच कर सकता है, या तो डिफॉल्ट P से मैच कर सकता है, या डिफॉल्ट 2 से मैच कर सकता है। तो हमेशा एक्सप्रेशन इवेलुएट करने के बाद वी हैव टू राइट गो टू। अब यहाँ पे 11 या जो भी आएगा इसको भी छोड़ दो, उसको बाद में लिखना, पहले थ्री एड्रेस कोड लिख लो, उसके बाद देखो। अब ये समझो किसके बाद गो टू क्यों आएगा, क्योंकि ये इवेलुएट करने के बाद कंट्रोल या तो केस 1 पे आएगा, या तो डिफॉल्ट पे आएगा, या तो केस 2 पे आएगा, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर गो टू। अब कहाँ पे होगा वो बाद में डिटरमाइन करते, गो टू यहाँ स्पेस छोड़ दो। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिस वन Y+Z का केस 1 है ना, तो देखो इसका हमने T1 is equal to this one, और X=T1 इसका हमने क्या लिख लिया, थ्री एड्रेस कोड लिख लिया। अगर मान लो ये वैल्यू मैच होती है 1 से, या I+J की वैल्यू 1 आती है, ये एग्जीक्यूट करने के बाद ये कहां पर जाएगा, जब ये एग्जीक्यूट कर लेगा यहाँ पे एज्यूम करो ब्रेक लगा हुआ, तो ये कहां पर जाएगा स्टेटमेंट, हमेशा लास्ट में आ जाएगा, मतलब लूप के बाहर आ जाएगा। तो देखो वी हैव टू राइट हियर गो टू। अब ये गो टू क्या होगा ये बाद में लिखना। देन अभी हम लोग किसका लिखेंगे, डिफॉल्ट का लिखेंगे, तो देखो ये डिफॉल्ट वाला हमने थ्री एड्रेस कोड लिख लिया, T2 इज इक्वल टू Q+R, P इज इक्वल टू T2 असाइन कर लिया। अब इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट करने के बाद वी हैव टू राइट एवरी टाइम ब्रेक, ये एज्यूम करो अगर गिवन है या नहीं गिवन है, वी हैव टू एज्यूम कि मतलब यहां पे ब्रेक लगा हुआ, दिस इज द वे टू राइट थ्री एड्रेस कोड। तो अब इस एग्जीक्यूट करने के बाद फिर क्या होगा, गो टू मतलब ये डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करने के बाद कहां चला जाएगा, लूप के बाहर। तो देखो हमने यहां पे गो टू लिख दिया, कंट्रोल के बाहर ये स्विच की बॉडी है उसकी बॉडी बाहर आ जाएगा, तो गो टू। अब यहाँ पे क्या लाइन आएगा वो हम बाद में लिखेंगे। अब इसके अब हम लोग किसका लिखेंगे, केस टू का थ्री एड्रेस कोड लिखेंगे, तो T2 इक्वल टू U+Z, दिस वन U इक्वल टू T2, तो T3 हो जाएगा। अब इसके एग्जीक्यूट करने के बाद कहाँ पे जाएगा, ब्रेक लगा हुआ है तो ये कहाँ पे जाएगा, स्विच के बाहर, तो यहाँ पे गो टू। अब यहाँ पे गो टू क्या आएगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं। अब देखो ये पूरा जो ये गिवन है ये पूरा थ्री एड्रेस कोड लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, लेवल, तो ये कहाँ पा रहा है, लेवल नंबर 11 पा रहा है ना, ये 11, तो यहाँ पे गो टू क्या लिखेंगे, देखो अगर इसकी वैल्यू क्या हो, किसी से तो मैच करेगी I+Z की वैल्यू, आइदर 1 से या फिर 2 से या डिफॉल्ट से, तो 1, 2 या फिर डिफॉल्ट कहाँ पे डिफाइन है, ये लेवल वहीं पे जाएगा, तो गो टू 11 लिख दिया यहाँ, दिस वन 11। अब देखो अगर ये T1 ये एक वैल्यू 1 होगी, मतलब ये ट्रू होगी, एग्जैक्ट मैच कर देगा, T1 is equal to 1 होगा, तो क्या होगा, इफ T1 is equal to 1, तो 1 कहां पे डिफाइन है, गो टू 1 कहां पे डिफाइन है, दिस 1 गो टू 2 पे डिफाइन है ना, ये केस 1 वाला, तो ये यहां पे सेंड कर देगा। अगर ये 2 से मैच करेगा तो देखो ये इफ T1 is equal to 2 होगा तो कहां पे जाएगा, 2 वाला कहां पे डिफाइन है, दिस 1 U is equal to V+W, तो ये कहां पे डिफाइन है, 8 पे डिफाइन है, तो गो टू 8 हो जाएगा। इसके बाद अगर जो है ये अब बाय डिफॉल्ट किससे मैच करेगा, डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट कहां पे डिफाइन है, ये 5 पे डिफाइन है, तो इसमें डिफॉल्ट में कंडीशन तो होती नहीं, बाय डिफॉल्ट वो मैच कर देगा, तो गो टू 5 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो 14 है, ये क्या होगा, स्विच के बाहर का स्टेटमेंट। क्लियर है बात, तो देखो जब ये एग्जीक्यूट करने के बाद, केस 1 एग्जीक्यूट करने के बाद कहां पे आएगा, गो टू 14 पे आएगा, तो देखो ये केस 1 एग्जीक्यूट करने के बाद 14 पे आ गया। एग्जैक्टली केस 2 एग्जीक्यूट करने के बाद
14 पर जाएगा और डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करने के बाद 14 आ जाएगा। तो दिस इज द गिवन थ्री एड्रेस कोड को हम लोग सॉरी स्विच स्टेटमेंट को हम लोग कैसे थ्री एड्रेस कोड में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ द थ्री एड्रेस कोड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एवरी टाइम दिस विल आस्क इन एकेटिव एग्जाम। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू अगेन।